विरोधी दल के नेता हैं वो किसी लायक नहीं, कुछ भी कहने बोलने के लायक नहीं। जिस आदमी को बिहार से कोई मतलब नहीं है, जो आदमी बिहार का इतिहास भूगोल नहीं जानता हो, जिस आदमी को बिहार की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं हो, वो किसी सवाल पर विरोध करने के लिए बोलता हो तो इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? वो किसी लायक नहीं है। अब आप वो विरोध कर रहे हैं जल जीवन हरियाली का। जल जीवन हरियाली बिहार की समस्या के साथ, पूरे विश्व की समस्या के साथ जुड़ा है। आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पूरे विश्व में इस पर सम्मेलन हो रहा है कि कैसे इसे निजात पाया जाए, और राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब इस पर जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया तो उसका विरोध कर रहे हैं। अब आप बताइए, यह विश्व की समस्या है, बिहार इसका पहल कर रहा है, इसका स्वागत करना चाहिए कि बिहार इसका पहल कर रहा है, उसके बजाय इसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करिए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राजनीतिक विरोध करिए, जनता के साथ जुड़ी हुई समस्या का विरोध नहीं होना चाहिए। लालू जी को तो कोई लाल शर्म से मतलब है नहीं, कोर्ट में खड़ा होते हैं और उनका अखबार में बयान देखे कि कोर्ट में वो खड़ा हुए जज के सामने हाथ जोड़ के और कहे कि हुजूर एको रुपया हम नहीं घूस लिए। अब जिस आदमी को ये कोर्ट के सामने खड़ा होकर कहना पड़ रहा है कि हुजूर एको रुपया हम घूस नहीं लिए हैं और सजा काट रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो अब वो भी बोले तो इससे ज्यादा बेशर्मी की कौन बात हो सकती है। वहां से ट्वीट कर रहे हैं भाई, लालू जी को क्या समझ में आएगा जल जीवन हरियाली? लालू जी के दिमाग से बाहर की चीज है। लालू जी को समझ में आता है चारा, अलकतरा, होटल कैसे बेच देना है, गरीबों को नौकरी दे के जमीन लिखवा लीजिए, तो ये सब बात लालू जी के समझ में आता है। जल जीवन हरियाली लालू जी के दिमाग में कहां से घुसेगा? ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है, तो माइक्रो चीज उनके दिमाग में कहां से आएगा? ये कोई पढ़ा लिखा आदमी नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति है जो समस्याओं को समझ सकता है, आने वाले खतरा को महसूस कर सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जिन निकल रहा था, तो रिजल्ट जब आ गया तो उसके बाद कई महीना कहां गायब थे, तो कहां गायब थे तेजस्वी जी? प्रवचन देना और वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। ये 2020 का चुनाव होगा, 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए 230 से ज्यादा सीट जीतेगी और फिर तेजस्वी यादव नजर नहीं आएंगे, वो कहीं वनवास में रहेंगे, कहीं विदेश उदेश में घूमते रहेंगे। अब वो तो आए कहीं से, पवन वर्मा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दे दिया, अब सम्मान देके कुछ दिन के लिए राज्यसभा बना दिया का सदस्य बना दिया, अब सम्मान का मतलब वही समझने लगे कि अब हम ऊपर आ गए। अरे पार्टी है, प्रजातंत्र से चलती है, मुख्यमंत्री यहाँ कोई भी निर्णय करते हैं तो सबसे राय सलाह करके निर्णय करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, उसको अखबार में ट्वीट कर रहे हैं। तो ये आजकल जो ई ट्वीट जो चला है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज है। लोग इसका उपयोग समझते हैं कि हम बड़ा भारी नेता हो गए, तो बहुत ठीक कहा उन्होंने कि भाई चार पैर वाले को बांध के रखा जाता है ना, दो पैर वाले को कहाँ बांध के रखा जाता है, स्वतंत्र है, दो पैर वाले तो जहाँ चाहे जा चले जा सकते हैं। उनकी इच्छा है, उन्होंने शुभकामना भी दिया है अखबार में कि बिहार में लागू नहीं होगा। हम समझते हैं कि बिहार में क्या लागू होगा क्या लागू नहीं होगा,
यह फैसला करने का और इसके लिए अधिकृत व्यक्ति एक ही आदमी है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री। क्या होगा सरकार, अब सरकार के बिहाफ में कोई बोल रहा हो तो अब इससे ज्यादा उनकी जानकारी क्या समझ सकते हैं कि कितना जानकार है वो। लेकिन ठीक है, कुछ लोग हैं राजनीति भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तो घाल मेल तो हो ही जाता है ना। वो क्या करते हैं वो जाने। सुशील कुमार मोदी जी तो एनडीए में, हम लोग रहे ना 17 साल, तो हम लोग 17 साल एनडीए में रहे, उनको आए हुए भी कितना दिन हुआ है, इसके पहले भी 17 साल रहे और बहुत मजबूती के साथ गठबंधन चला है। कोई यह तो बता नहीं रहा है, एक आदमी यह नहीं कह रहा है कि सीए भी या जो अब सीएए हो गया है उसके किस बिंदु पर विरोध है, उस बिल में क्या प्रोविजन है, क्या कानून में लिखा हुआ है जिसका विरोध कर रहे हैं आप। तो ये है, अब उनकी समझ है तो उनकी समझ का क्या कीजिएगा, वो अपनी समझदारी से चलते हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।